गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। इन टुडे क्लास वी विल प्रोसीड इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड इट इज नियर अबाउट टू एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग बच्चों जो है कि हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स देख रहे थे। अब आज जो है कि उसी में आगे की ओर बढ़ेंगे, ऑक्साइड्स देखेंगे और कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे जो कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जानते भी हैं। उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ एकाक अमेजिंग चीज़ें हम आपको दे देंगे जो एग्ज़ाम वगैरह में कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले इसमें हम लोग ऑक्साइड्स लेंगे। ऑक्साइड्स ऑल एलिमेंट्स of group 14 form monooxide and dioxide. Type of monooxide is MoCO. that is CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। रेस्ट सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड एंड PbO ऑल आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डाई ऑक्साइड यहाँ पे देखेंगे। टाइप ऑफ डाई ऑक्साइड ऑक्साइड्स आर केवल MO2 टाइप होता है, जिसमें से CO2, SiO2, GeO2, SnO2 एंड PbO2 ये दोनों जो है यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड है। बाकी ये तीनों जो यहाँ पे है एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे एक तो पहली बात कि सारे एलिमेंट जो है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर बनाते हैं तो दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो हमारा MO टाइप का ऑक्साइड होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो है और मेटल की भी वैलेंसी क्या है, दो है। ऐसे में जो ऑक्साइड यहाँ पे बनते हैं
वो ऑक्साइड कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये न्यूट्रल, लेकिन बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना अधिक स्पीड से बाइंड करता है, ब्लड सेल से या ये कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से। उसके बाद जो कि एक बेसिक नेचर न्यूट्रल होता है, बाकी के जो मोनोऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, स्टेरस ऑक्साइड एंड सॉरी स्टेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे प्लम्बस ऑक्साइड, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप का ऑक्साइड यहाँ पे बनता है, MO2 टाइप का, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। जर्मेनियम ऑक्साइड, एसएन ऑक्साइड और PbO2 क्या हमारा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में तो सबको पता ही है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं एसिड से भी और बेस से भी, और रिएक्शन का नेचर, रिएक्शन का टाइप, सारा कुछ जो होता है उसी तरह का होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, अभी इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो स्ट्रक्चर आप कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीनियर होता है, वो क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज लीनियर, ये लीनियर होता है। ठीक है, और जो सॉलिड CO2 होता है, सॉलिड सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ओके, इसको हम एक या दूसरा भी नाम देख सकते हैं, ड्रिकोल्ड आइस। ओके, इस तरह से हम ऐसे नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, वो सिलिकॉन ऑक्साइड थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है, SO2, SiO2 फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल 3D नेटवर्क, 3D नेटवर्क। 3D नेटवर्क बनाने के पीछे क्या है, आप कारण क्या है? 3D नेटवर्क बनाने के पीछे रीजन हो सकता है आप वैकेंट ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होना, और वैलेंसीज अलग अलग प्लेन में खाली होगी तो वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इन विच हम ये देखेंगे, इन विच SI एटम इज सराउंडेड बाई
covered with in which each SI atom is covered with four oxygen atom. Atom forming a tetrahedral shape. And all bonds are covalent. सारे बॉन्ड क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं. सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं इसमें कोवेलेंट होते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके अंदर सिलिका पाया जाता है. SiO2 जो है SiO2 हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि प्लांट का एक स्केलेटन बनाता है. इन प्लांट हाइड्रेटेड SiO2 फॉर्म स्केलेटन ऑफ टन ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट जो सी में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स में जो है कि स्केलेटन बनाता है. जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम जान सकते हैं, ले सकते हैं डायटम्स. ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, ये एल्गी होते हैं जो कि कॉलोनी बना करके रहते हैं. तो डायटम्स में ये एंडो स्केलेटन के फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लिया एंडो स्केलेटन के रूप में. इसमें जो मास ऑफ हाइड्रेटेड SiO2 इज ऑल्सो नोन एज कैसल गोर. इसको कैसल गोर भी कैसे कहते हैं, KISKIESELGHUR. इसका यूज हम लोग डायनामाइट बनाने में भी करते हैं. ठीक है, इट इज हाईली पोरस मटेरियल विच इज यूज्ड इन मेकिंग डायनामाइट बनाने में केसल गोर का यूज किया जाता है. ये एक हाईली पोरस मटेरियल होता है.
तो हमने SiO2 के बारे में क्या जाना, एक तरह से ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें एक एटम SiO का जो होता है वो चार एटम ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल शेप में सराउंड रहता है, ठीक है। और ये जो SiO2 है, कुछ माइन्यूट प्लांट्स होते हैं जैसे डायटम्स वगैरह होते हैं, उन डायटम्स के एंडोस्केलेटन को बनाते हैं। वैसे ये जहाँ पे भी सी में पाए जाते हैं वहाँ पे सैंड के फॉर्मेशंस होते हैं, सैंड में ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। और ये मास ऑफ जो हाइड्रेटेड SiO2 है इसको हम केसल ग्रू के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका यूज़ पोरस मटेरियल होने की वजह से इसका यूज़ डायनामाइट बनाने में भी किया जाता है। तो आज हमने पूरी जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान ली। थोड़ा सा इस परिवार में जो सबसे छोटा मेंबर है वो सबसे छोटा मेंबर है कार्बन। उसके कार्बन के बारे में तो वैसे 10th में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोप आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें आज थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन के बारे में, कार्बन सब कुछ सबको यहाँ पे पता ही है कि ये 6 and 12 और 6 and 14 ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 12 और 14 क्या है, आइसोटोप हैं कार्बन के। अगर और देखा जाए तो फ्री स्टेट में कार्बन, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, एटीसी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कार्बन के फ्री स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में अगर देखा जाए, कंबाइंड स्टेट, तो कंबाइंड स्टेट में जो हमारा कार्बन है वो ऑक्साइड्स के रूप में, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के रूप में मिलता है, ऑक्साइड्स के रूप में मिलता है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स के रूप में मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स इतने फॉर्म में मिलता है। फ्री स्टेट में हमें डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक और फ्लोरेंस जो भी कहें इन सब के रूप में मिलता है, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में जैसे ऑक्साइड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट अगर देख लें तो वह कार्बन ही है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन देख लिया जाए, पूरे हाइड्रोकार्बन में हमें कार्बन भी दिखाई देता है। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में, इसके जो एलोट्रॉप्स हैं जितने भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारे फॉर्म को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, एलोट्रॉप्स और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक, फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आल यहाँ पे क्या होते हैं, आल क्रिस्टलाइन फॉर्म, आल
क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड्स कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट तो आएगा हमारा डायमंड। डायमंड के बारे में जितना आप लोग जानते हैं उससे ज़्यादा जानना भी नहीं है। हम लोग जो भी जानते हैं यहाँ पे ये क्या है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल। इट हैज थ्री डायमेंशनल 3D, यहाँ पे हम ऐसे शॉर्टकट में लिख दें, थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तो हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन चार कार्बन से सराउंड रहेगा, है ना, एंड इट इज पॉलीमेरिक, इट हैज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन इज इन डायमंड sp3 hybridized। ओके और क्या क्या जानना है? इट इज अ क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड, क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड विच हैज मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट 3650 सेंटीग्रेड। बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हाई डेंसिटी होती है इसकी। और ये जो डायमंड होता है, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डायमंड इज बैड कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिससे कि वहां कंडक्शन हो पाए, इसी वजह से ये बहुत हार्डेस्ट है, इसी वजह से इसका जो है टेम्परेचर इतना हाई है, ठीक है। इसका जो थ्री डायमेंशनल टेट्राहेड्रल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है वो इसको बहुत ही हार्ड बना देता है। नोट कर लिया इसको।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, सेकेंड हम आ जाएंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इट इज ग्रे। ग्रे कलर अगर ओरिजिनली देखा जाए तो डार्क ग्रे इसका कलर होता है। इट इज डार्क ग्रे हैविंग हेक्सागोनल प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हेक्सागोनल का मतलब होता है कि कुछ हनीकॉम्ब जिस तरह से हम देखते हैं हनीकॉम्ब की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, दो प्लेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्लेट हो गई, फिर उसके बाद एक नीचे प्लेट हो गई, और ये प्लेट आपस में वंडरवाल फोर्स से बंधी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेक्सागोनल प्लेट स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। और एक कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर की वजह से प्लेटेड स्ट्रक्चर की वजह से इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो है गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने यहां पे देखा sp2 हाइब्रिडाइज लिखा हुआ है, तो जहाँ पे कार्बन के पास यहाँ तीन बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड क्या है फ्री है। तो यहाँ पे क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है? हम मान लें कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? फ्री है, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर का काम ये करता है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक लीड। और हमारे पेंसिल्स में जो लीड होती है वो सारी लीड्स इसी की बनी होती है। ठीक है, पेंसिल में जो हमारी लीड होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। इसके सॉफ्ट नेचर की वजह से इट इज़ अ वेरी गुड लुब्रिकेंट आल्सो। यहाँ पे नोट कर लिया होगा कि इट इज डार्क ग्रे हैविंग हेक्सागोनल प्लेटेड स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
और इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक लीड। और यहाँ पे ये जो होता है गुड लुब्रिकेट का काम करता है, इसी फोर्थ इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज ए गुड लुब्रिकेट। एक अच्छे लुब्रिकेट के रूप में काम ये करता है, इसी फोर्थ इलेक्ट्रॉन के जो है कि फ्री होने की वजह से। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन अब लिख रहे हैं, इट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सबसे ज़्यादा ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो आज के लिए इतना ही, अभी कार्बन में हमें और कुछ भी पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके स्टूडेंट।